शामगढ़ टीआई संजय चोकसे के अनुसार शामगढ़ एफएसटी की टीम ने पेट्रोल पंप पर चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग की तो वहीं पीछे की सीट पर 80 लाख रुपए मिले। वाहन में तीन व्यक्तियों से पूछताछ में बताया कि रामलाल पिता कालूराम अपने को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गंगाधर का कैशियर होना बताया। वह पुराना सा बैंक का कार्ड बताया है जिससे पहचान नहीं हो पा रही है। राम गंजन मंडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से गंगाधर शाखा ले जाना बताया। गरोठ ट्रेजरी में जमा किया गया 180 लाख रुपए की राशि अधिक है। अधिकार क्षेत्र से राशि अधिक है। इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई है और टीम जांच कर रही है। इनके दौरान क्या मामला, जो रकम मिली उसके साथ आज शाम को 8 बजे करीब हमने मेलखेड़ा चौराहे पर बांध चेकिंग कर रहे थे। एफएसटी टीम एसएसटी टीम हमारे साथ थी। उसी दौरान गरोठ तरफ से एक वाहन बोलेरो को रोककर हमने चेक किया जिसका नंबर था MP14CC3215। तो इस गाड़ी के पीछे वाली सीट पर एक लोहे के बक्से में 80 लाख रुपए नकद पाए गए। जो गाड़ी में तीन लोग सवार थे, ड्राइवर था पप्पू सिंह पिता सज्जन सिंह परमार निवासी गंगधार का और उसके साथ अनिल पिता गोपाल दास बेरा के, ये भी गंगधार के रहने वाला है। और तीसरा व्यक्ति है रामलाल पिता कालूराम टेलर, ये भवानी मंडी के रहने वाले हैं। तो जो रामलाल टेलर है इन्होंने बताया कि मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गंगधार में पदस्थ हूँ केसीआर के पद पर और ये जो नगद राशि के संबंध में इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि रामगंज मंडी ब्रांच से इसको इस केस को गंगधार ब्रांच में शिफ्ट किया जा रहा था। जब हमने गाड़ी की तलाशी ली उस समय गाड़ी में ना तो केस सीलबंद था, ना ही कोई गार्ड की व्यवस्था थी और ना ही इनके द्वारा किसी प्रकार के सक्षम दस्तावेज हमें केस के संबंध में लाने ले जाने के संबंध में उपलब्ध कराए गए। पूरी जानकारी हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर इस केस को एसएससी टीम द्वारा सीज करवाया है और अभी इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दे दी है। उनके भी अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और तब तक हमने इस केस को काउंटिंग करवाने के बाद गरोठ की ट्रेजरी में जमा करवा दी है। सर आइडेंटिटी हुई क्या कुछ, जैसे बैंक कर्मचारी बता रहा है तो ऐसा कुछ? हाँ, ये सब हम इन सारे बिंदुओं पर जाँच कर रहे हैं, वेरीफाई करने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाए।